हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। एस्पिरेंट्स, जैसे कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिफरेंट सीरीज, और कल हमने पार्ट वन किया था सीसेट मैथ्स का, जहां पे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस किए थे। टूडे वी विल ऑल्सो डू पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज एंड वी कैन डिस्कस मोर क्वेश्चन, मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड कंसेप्ट। कि सिर्फ क्वेश्चन करना या उसका आंसर ही हमारा मकसद नहीं है, हमें उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी हमें समझना है, ठीक है। तो इसलिए आज आप लास्ट तक बने रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2018 के एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो 2018 में आपका एचएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो सीसेट मैथ्स के क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, कुछ आज करेंगे, और उसके डीआई के क्वेश्चन बचते हैं वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये जो सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बने रहिए आप लास्ट तक। देखो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, देखो ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो सबसे पहले आपको क्या समझना, यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल टू लगा है बीच में, और आपको दो क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है और बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब इन क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस कर लो। किससे कर लोगे रिप्लेस आप, सपोज करो यहाँ लिख लो x, x अपॉन 576 इज इक्वल टू 256 अपॉन x, ठीक है। अब इक्वल टू लगा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 इनटू 256, ठीक है। अब देखो आपको पता कि 576 और 256, ठीक है, ये क्या होता है आपका 576 मतलब कि 24 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई, यानी कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 256 कैसे आता है, जब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 16 का स्क्वायर 256। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर द रूट 24 × 24 × 16 × 16, एक ही बात होगी। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 24 × 16 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 24 का भी स्क्वायर है 16 का भी स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x इज इक्वल्स टू 24 × 16। अब 24 को 16 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, जब आप 24 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, देखो मैं हर एक चीज यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी आपको बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन करने के भी आसान तरीके होते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको अलग तरीके से करते हो तो ये क्वेश्चन आपका लंबा जाता है, लेकिन आपने क्या किया, सिंपल 576 को ओपन कर लिया 24 × 24 और इसको 16 × 16। अब आपको पता है कि 24 का स्क्वायर है उसके ऊपर रूट आएगा, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ 24 बचा और यहाँ पे सिर्फ 16 बचा। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 384, ठीक है, क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 384, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर यहां तक सभी को। चले आगे, देखो विथ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है 2 की पावर में और आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको बोला कि क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए। देखो सबसे पहले बहुत इजी चीज है ये, कैसे समझेंगे, यहाँ पे बेस में 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और ये तीनों जो टर्म्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 2 की पावर 3, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 4 × 8, तो 8 को आपने क्या लिख लिया 2 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 की पावर 1.1 × 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2.7, इसका स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर जब 3 × 1.1 होगा तो 3.3 इंटू 2 × 2.7, 2 की पावर 27 × 2 = 54, यानी कि 5.4 इंटू 2 की पावर 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तीनों का, बेस सेम आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, जब बेस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर
3.3 + 5.5 + 3.3 = 2 की पावर? अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इक्वल 2 लगा है बीच में। जब बेस सेम है, बीच में इक्वल 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? कंपेयर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3.3 + 5.4 + 3.3, किसके इक्वल आता है ये? यस, इसको ऐड कर लो। देखो जब आप इसको ऐड करोगे 3.3, 5.4 और 3.3, 4, 3, 7, 3, 10, यानी कि 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, बीच में पॉइंट, 3, 1, 4, 4 + 5, 9, 9 + 3, 12, 12.0, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका? 12, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे। देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, बाय हाउ मच इज 3/5 of 735 > 2/3 of 633? तो आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन लिखा जैसा मर्जी हो, लेकिन आपने इसको क्या करना है, हिस्सों में बांट लेना, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट क्या दिया, 3/5 of 735, आप लिख लो इसको 3/5 of 735, यानी कि 735 का 3/5 हिस्सा, तो 3/5 of 735, ठीक है। दूसरा बोला है 2/3 of 633, यानी कि 2/3 633, ठीक है। अब ये बोला कि ये जो फर्स्ट वाला, ये कितने नंबर बड़ा है इसके एज कंपेयर टू दिस, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 147। अब 147 इंटू 3 कितना होगा, 147 इंटू 3, तो 147 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास, 441, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या जाएगा, 211, तो यानी कि 2 × 211 विच इज इक्वल टू 422, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने बताना है, देखो इसका आंसर आ गया 441, इसका आ गया 422, तो कितने नंबर बड़ा है ये पहला वाला नंबर, तो इनको आप आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, 19, यानी कि ये वाला जो नंबर है, यानी कि 3/5 of 735 इज 19 नंबर ग्रेटर देन 2/3 of 633, तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन, चलो चले आगे। देखो तो बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझोगे तो आप देखोगे यार ये तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसानी से निकल गया है ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चले आगे। अब आपको बोला देखो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 800% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 9/7, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? आपको देखो ये भूल जाओ, पहले आप ये देख लो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। सपोज कर लो ओरिजिनल फ्रैक्शन है आपके पास x/1। अब आपको बोला कि जो न्यूमरेटर है वो 800% बढ़ गया, मतलब x क्या है 800% बढ़ गया, और जो डिनोमिनेटर यानी कि y जो है वो 300% इंक्रीज हो गया। तो जब इनका रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है तो वो 9/7 आता है, यानी कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो, न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हुआ, 800%, यानी कि 800/100 इंटू एक्स इंक्रीज कर लिया, अपॉन डिनोमिनेटर कितना करता है 300%, यानी कि y प्लस 300 अपॉन 100 इंटू y, और रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है आपका 9/7 के इक्वल, ठीक है। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो 0 और ये 2 0 कैंसिल, ये 0 और ये 2 0 कैंसिल, क्या बचा, x प्लस 8x अपॉन y प्लस 3y इज इक्वल टू 9/7, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 8x प्लस x 9x, 3 प्लस 1 4y इज इक्वल टू 9/7। अब x बाय y को इसी की तो वैल्यू निकालनी थी आपने, x बाय y की, तो x बाय y को इस साइड रखो, उस साइड के चल जाएगा 9 × 4 / 7 × 9, 9 और 9 कैंसिल, x बाय y किसके इक्वल आ गया, 4/7, तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है ना। देखो इतना मुश्किल तो हमने समझना ही नहीं ना, हमने तो जितना भी मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको हमने आसान बना देना है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको हम बिल्कुल ईजी कर देंगे, है ना। चलिए आगे। चलो आपको बोला है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये दिया है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया है और बोला कि जब x की वैल्यू 16 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकलेगी। अब आप बोलोगे सर यार ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमारे 10 मिनट खा जाएगा,
हमको तो एक्स की पावर 4 निकालनी पड़ेगी। बट क्यों निकालनी है एक्स की पावर 4? आप एक काम भी तो कर सकते हो ना, यहां से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, है ना। एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया आपने, तो जब आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहां से, यहां पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा माइनस 17 एक्स, यहां पे क्या बचा प्लस 17, ठीक है। और जो बाकी ये दो ये टर्म्स बची इनको एज इट इज बाहर रहने दो, माइनस 17 एक्स प्लस 17। अब तो आसान हो गया, अब तो आपको एक्स की पावर 4 निकालनी नहीं पड़ेगी। अब आपको बोला एक्स इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 16 किसके इक्वल होता है 256 के, लिख लो यहाँ पे 256 इंटू 256 माइनस अब 17 इंटू एक्स, यानी कि 17 इंटू 16, तो 17 इंटू 16 किसके इक्वल होगा, करो सॉल्व इसको साथ साथ में आप भी करते रहो। जब आप 17 इंटू 16 करोगे आपके पास क्या आएगा 272, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 272 प्लस 17 और माइनस 17 इंटू 16 एक ही बात है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 272 प्लस 17, डन क्लियर यहां तक। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, पहले इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर लो, बोर्ड मास पड़ा है ना, पहले आप क्या करोगे ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करोगे, फिर 256 प्लस 17 कर लो कितना होता है, जब आप 256 प्लस 17 करोगे ये तो बाहर रहेगा, जब 256 प्लस 17 किया आपके पास क्या आया 273 और माइनस 272 फिर माइनस 272 प्लस 17। अब 273 माइनस 272 1, तो 1 इंटू 256, 256 ही बचा, तो 256 माइनस 272 प्लस 17। अब 256 प्लस 17 क्या हो जाएगा 273 माइनस 272 विच इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है ना, इतना तो मुश्किल ही नहीं था। अगर आप अगर आपको ये चीज पता नहीं होती तो आप क्या करते, पहले x की पावर 4 निकालते, यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 निकालते, कितना लंबा हो जाता, आप तो एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा देते, फिर उसके बाद x की पावर 3 निकालते, फिर x की पावर 2 निकालते, फिर सॉल्व करते सभी को, है ना, कितनी लंबी कैलकुलेशन होती। तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल ही सिंपलीफाई कर लिया, बिल्कुल इसको आसान बना दिया, है ना, बस ऐसे करोगे तो हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जो आपके 2018 के HS के एग्जाम में सीसेट मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए थे, क्लियर। अब जो है 2018 के DI के क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है, जो हम कल वाले पार्ट में करेंगे, कल वाले पार्ट में हम DI के क्वेश्चंस जो आपके आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस हैं, वो DI के क्वेश्चंस वो हम करेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आसान भी होते हैं वो क्वेश्चन, और आपको अगर उसको समझ आ गई तो आप बिल्कुल मतलब चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, जिसमें आप पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारा कुछ जो है पढ़ते हो, क्लियर। वो मैं कल आपको वो सारा कंसेप्ट भी विद क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डन। चलो गाइस, सो होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना, कल हम न्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी हम तो हैं ही यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।